स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों। बिहार के रोहतास में आज भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत एसपी जैन कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अति बाला सिंह के साथ कोरोना त्रासदी विश्वव्यापी संकट पर बातचीत की गई, जिसमें राष्ट्रीय श्रम सेवकों द्वारा समाज के जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंस मास्क का उपयोग तथा हाथों की साफ सफाई के साथ साथ चित्रों के माध्यम से संक्रमण से बचने का तरीका बताया। डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, बिहार प्रदेश ब्यूरो की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज 28 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच राष्ट्रीय सेवा योजना वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सासाराम के एसपीएन कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अति बाला सिंह जी एवं उनके सब सेवक ललित कुमार जी, ओमकार अमर जी और पत्रिस बैठे जो उपस्थित हैं। आइए उसे हम जानते हैं कि अभी के हालात में जो कि हमारा देश पूरी तरह से देश का युग है कि पूरा विश्व जूझ रहा है एक बीमारी जिसको हम जिस वायरस का नाम हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। आज हमारा देश और विश्व पूरी तरह से इस बीमारी के चपेट में आ चुका है। जैसे अलगर किसी जीव जंतु को निगलने का प्रयास करता है, ठीक उसी तरह से मानवता को निगलने का इस वायरस द्वारा पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में आइए हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर तिबाला सिंह जी के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। तो प्रोफेसर तिबाला सिंह जी, आपका हमारे कार्यालय में स्वागत है और आपको हम नमस्कार करते हैं कि आपने हमारे कीमती वक्त निकाल करके हमारे कार्यक्रम में शिरकत किया। तो प्रोफेसर साहब, आप हमें कृपया बताएं कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसका मूल उद्देश्य क्या है। सर, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे एसपी जैन महाविद्यालय में एनएसएस की दो इकाई काम कर रहे हैं और हमारे प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर गुरचरण सर का सख्त आदेश है कि इस कोरोना महामारी के बीच हमारे जो दो यूनिट के जो स्वयंसेवक हैं इस वैद्य के रूप में कोरोना वैद्य के रूप में अपना योगदान दें। और इसी क्रम में हमारे जो कोरोना वैरियर हैं स्वयंसेवक के रूप में, उन्होंने आज अनेकों गतिविधि संपन्न करते आ रहे हैं, जिसमें कि लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रेरित करना, वीडियो लेक्चर पोस्टर के अतिरिक्त लोग फील्ड में जाकर गरीबों के बीच में, असहायों के बीच में मास्क, सैनिटाइजर एवं सोप आदि का भी वितरण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने दीक्षा ऐप, आरोग्य सेतु, आई गॉट आदि के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस महामारी के चपेट में आने से बचे उनको हर तरह से दिशा निर्देश एवं डिस्टेंसिंग का पालन कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और आगे आशा करते हैं कि अगर हमारे लोकल प्रशासन अगर इन वॉलंटियर की आवश्यकता पड़ी तो उनके साथ कदम कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार है। बस अभी प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी आती है। प्रोफेसर साहब, आपके द्वारा और आपके टीम के द्वारा जो भी ये कार्य किए जा रहे हैं वो अति सराहनीय हैं। आइए बातचीत के क्रम में हम इनके सहयोगी श्रम सेवी ललित जी से कुछ बात करना चाहते हैं। ललित जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप इस सर के? सर, कोविड-19 में तो एक महामारी के रूप में जो भारत के और बिहार के रूप में भी जो है हम लोग इस कोरोना के वजह से हम लोग सारा देश जूझ रहा है, देश क्या पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है इस वजह से। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो क्या कह सकते हैं कि हेल्प के तौर पे हम लोगों ने थोड़ा सा मास्क का डिस्ट्रीब्यूट किया, सौ वगैरह और सैनिटाइजर का, यही हम लोग का थोड़ा बहुत सहयोग रहा। जैसे कॉलेज के माध्यम से हम लोगों को ये चीज बताया गया कि ये चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, मास्क वगैरह, और फिर उसके बाद सौ पे सैनिटाइजर, फिर उसके बाद सोशल
नेटवर्क के माध्यम से हम लोग जैसे कि आरोग्य सेतु और आई गॉट दीक्षा ऐप के थ्रू हम लोगों ने सोशल नेटवर्किंग के जो भी हम लोगों से हो सका जिसको इंस्टॉल करवाना वगैरह या रजिस्ट्रेशन करवाना ये सब हम लोगों ने जहाँ तक हो सका हम लोगों ने किया। इसी बीच में हमारे दूसरे काफी युवा सहयोगी और स्वयंसेवी प्रतीश जी भी हैं। प्रतीश जी आपसे इंडिया न्यूज 28 चैनल के माध्यम से पूछना चाहता है कि युवाओं को इस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को इस संदर्भ में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि युवा अपने पढ़ाई और अपने कार्यों को देखते हुए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो और वैसे समाज के वैसे लोग जो गरीब हैं, असहाय हैं और निर्धन हैं, उनके बीच जाकर जो भी बन सके अपने स्तर से जो भी बन सके जैसे कि जो उनके स्तर से हो सके उसका जाकर वितरण करें और उन्हें हर एक सरकार के द्वारा WHO के द्वारा यूनिसेफ के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं उनका उनका अनुपालन करने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उन्हें खास खास और उन पे अपनी और अपनी जान बना कर रखें। इसी बीच में हमारे युवा साथी ओंकार अमर जी आपका स्वागत है। आप चैनल के माध्यम से कृपया ये बताएं कि जो चीजें आप लोगों ने समाज के हित के लिए करी उसमें आप कैसा अनुभूति कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा दुनिया अभी COVID-19 से जूझ रहा है, उसी क्रम में हमारे कॉलेज के थ्रू NSS जो भी राष्ट्रीय योजना के तहत हम लोग समाज के विभिन्न जगह गए जहाँ पर लोग अभी भी जिनको खाने के लिए नहीं है जो स्लम एरिया में रहते हैं वहाँ पर हम लोग गए, उन्हें जागरूक किया कैसे अपने आप को बचाएं वो लोग, और इसी क्रम में हम लोग मास्क सैनिटाइजर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया और ऐसा करने से हमें कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऐसे एज ए देश के नागरिक हम लोग को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलते चलते हमारा चैनल आपसे ये चीज जानना चाहता है, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अभी जो कोरोना त्रासदी है इस त्रासदी में पूरा देश जूझ रहा है, क्या युवा क्या वयस्क और क्या ज्यादा उम्र के लोग बुजुर्ग ये सारे लोग इस त्रासदी से परेशान हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे देश के सामने विकराल रूप लेकर आगे खड़ी हुई है वो है पढ़ाई लिखाई, जो अक्सर सुनने में आ रहा देखने को आ रहा है कि आप लोग डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप लोग मोबाइल के माध्यम से और किसी अन्य माध्यम से पढ़ाइयाँ कराई जा रही हैं आपको जी हाँ डिजिटल तरीके से जो माध्यम से पढ़ाई जो कराई जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसका प्रभाव स्टूडेंट के विद्यार्थी जीवन पर किस तरह का पड़ा, उनके जीवन पर किस तरह का पड़ा, ये इनके लिए फ्रूटफुल साबित हो पाएगा या नहीं? फ्रूटफुल साबित हो पाएगा ये कहना तो उचित नहीं होगा हमारे लिए, ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि अभी के इस गंभीर मानवीय संकट के दौर में ये वैसे छात्रों के लिए तो बहुत उपयोगी होगा जो ई लर्निंग के थ्रू अपना पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यूसली जारी रख सकते हैं और उनके पढ़ाई के बीच ब्रेक मिल सकता है और बाद की जो परिस्थिति होगी तो सरकार को भी समझेगी। तो मित्रों ये थे हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के अभी के कोरोना त्रासदी के वीडियो था जो देश के विकास के लिए देश में आई हुई त्रासदी से लोगों को निजात दिलवाने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास करते हैं कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, बिहार स्टेट ब्यूरो चीफ, इंडिया न्यूज 28।